नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करूंगा जिसके कारण हमारे परिवार में लगभग हर व्यक्ति पीड़ित होता है उस समस्या से, और बहुत सारी उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा उनको उस बीमारी के कारण टेंशन होती है, और वो होती है दोस्तों हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी का बढ़ जाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें हाई बीपी के मरीजों में किन चीजों का उपयोग करना चाहिए और किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक डाइट चार्ट के बारे में, बहुत अच्छा डाइट चार्ट है, आप उस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो बीपी है वो नेचुरल तरीके से कम होने लगेगा, और काफी हद तक आपको अपनी जो दवाइयां हैं उनको, उनके जो डोजेज होते हैं उनको कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें खाने में किन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आती हैं दोस्तों हरी सब्जियां। हरी सब्जियां हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को रिजनरेट करने में, हमारी बॉडी से बीमारियों को खत्म करने में, हमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप दिन भर के तनाव को कम करना चाहते हैं तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि इनमें पोटेशियम पाया जाता है जो शरीर से सोडियम को बाहर निकालने का काम करता है। और जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको हाई कर देता है, इसलिए जो हरी सब्जियां होती हैं वो हमारी बॉडी से सोडियम को बाहर निकालती हैं और उसके कारण हमारा जो बीपी है वो लो होने लगता है, यानी कि अपने नॉर्मल स्तर पर आने लगता है। अब दोस्तों हम अपने खाने में इन हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अरगुला है, शलजम के पत्ते हैं, गोभी है, मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते और पालक। इन सब्जियों को यदि हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो हमें अपने बीपी को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों दलिया। दलिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दलिये में भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और दलिया का सेवन करने से खून में जो लिपिड होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिससे ना केवल वजन कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है उसके साथ ही हमारा जो बीपी होता है वो भी कंट्रोल होने लगता है। बहुत सारे जो हैं इस पे रिसर्च किए गए हैं और उनसे हमें ये पता चला है कि प्रतिदिन 100 ग्राम यदि दलिये का सेवन किया जाता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 7.7 mmHg की और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 5.5 mmHg की जो है वो कमी होने लगती है, इसलिए दलिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों चुकंदर। आप सभी लोग बहुत अच्छे से चुकंदर से परिचित हैं, क्योंकि जिन लोगों में एनीमिया होता है उन लोगों में चुकंदर का यूज करने की जो है वो सलाह दी जाती है, और इसके साथ ही जो चुकंदर होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है जो रक्त नलिकाओं को फैलने में मदद करता है, इसीलिए चुकंदर का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है। इसलिए हमें अपने खाने में ना केवल खून की कमी को पूरी करने के लिए चुकंदर को शामिल करना चाहिए, बल्कि हमें अपने ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए भी चुकंदर का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज है दोस्तों वो है डार्क चॉकलेट्स। सुनने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन डार्क चॉकलेट्स जो होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लेविनॉल्स पाए जाते हैं जो कि 70-80% डार्क चॉकलेट यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसको उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लगता है, और वो होता है फ्लेविनॉल्स के कारण। फ्लेविनॉल्स का जो असर होता है वो हमारे हाई ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, और एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, वहां के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि 30 से 1000 mg डार्क चॉकलेट खाने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी आती है। इसके बाद अगली जो वस्तु आती है दोस्तों वो है लहसुन, और लहसुन का उपयोग सभी लोग अपने घरों में करते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का एक जो है इसका मेन सब्सटेंस पाया जाता है जो कि शरीर में हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन को संतुलित करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को भी नियंत्रित करता है। इसके कारण हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो टेंशन फ्री हो जाती हैं, उनमें तनाव जो होता है वो कम होने लगता है, और उनका जो कंस्ट्रिक्शन और डायलिटेशन होता है उसमें हेल्प मिलने लगती है, जिसके कारण हमारा जो बीपी होता है दोस्तों वो कंट्रोल होने लगता है। इसके बाद अगली जो वस्तु आती है दोस्तों वो होता है अनार। चूंकि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और बहुत अच्छा ये फाइबर का एक सोर्स होता है, इसलिए यदि आप अपना वजन भी कम करना चाहते हैं तो अनार हमारे लिए सबसे बेहतर है। इसके साथ ही हमारे शरीर में इसके कारण रक्त की पूर्ति होती है और चेहरे का जो निखार है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा
बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं जिनमें ये पता लगाया गया है कि अनार का रस यदि पिया जाता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगली जो चीज आती है वो होती है पिस्ता। हालांकि ये एक ड्राई फ्रूट होता है लेकिन पिस्ता का उपयोग भी ब्लड प्रेशर को कम करने में किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है पिस्ते के कारण। और पिस्ता जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, खास तौर से जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें इसे जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यदि इसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो ना केवल ये वजन को कम करता है बल्कि हमारे शरीर में लिपिड के जो लेवल होते हैं उनको कम करने लगता है। और एक रिसर्च किया गया है अमेरिका में जिसमें यह पता लगाया गया है कि यदि जिन्हें डिसलिपिडीमिया की शिकायत है, यानी कि बहुत ज्यादा जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, तो यदि वो पिस्ता खाते हैं कम वसायुक्त भोजन के साथ साथ, तो उनके जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें 2 से 4 mm ऑफ HG की कमी देखी जाती है। इसलिए हमें अपने खाने में पिस्ता को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों योगर्ट का, यानी कि दही का। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि हर प्रकार से हमारी बॉडी को हेल्प करती है, ना केवल विटामिन B12 की ग्रोथ कराने में ये मदद करती है बल्कि हमारे वजन को नियंत्रित करती है और हमारे बीपी को भी नियंत्रित करती है। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में से सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है। और एक पत्रिका है न्यूट्रिएंट्स नाम की, उन्होंने इस पे एक स्टडी की थी और उन्होंने बहुत सारे लोगों पे इसका एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने पाया कि यदि योगर्ट का सेवन यानी कि दही का सेवन नियमित रूप से किया जाता है तो निश्चित रूप से बीपी को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें पॉलीफेनॉल पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप को कम करने में हमारी सहायता करता है, और यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। इसका अच्छा खासा असर ना केवल युवाओं पे बल्कि महिलाओं पे और अधिक उम्र की महिलाओं पे भी देखा जाता है। इसलिए हमें अपने खाने में जैतून के तेल को यानी कि ऑलिव ऑयल को शामिल जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों विटामिन सी से युक्त फल। हमारी बॉडी में विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लगभग सभी प्रोसेस में विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ना केवल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि हमारे वजन को कम करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों अंगूर, संतरा, कीवी, नींबू, मौसमी, ये जितने भी फल होते हैं इनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रतिदिन 500 ग्राम विटामिन सी का सेवन किया जाए तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को लगभग 3.8 mm ऑफ HG और 1.48 mm ऑफ HG रेस्पेक्टिवली ये कम कर सकता है। इसलिए यदि हम अपने खाने में विटामिन सी का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प दोस्तों अपने बीपी को कंट्रोल करने में मिल सकती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हमें हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें खाने में क्या नहीं देना चाहिए। और सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों नमक। हालांकि नमक हमारे शरीर की और दूसरी प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन एक निश्चित मात्रा ही केवल उन पेशेंट्स को देनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा नमक उनको कभी नहीं देना चाहिए बल्कि मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि नमक जितना ज्यादा कम हो सके उतना कम से कम उन्हें देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चिप्स, कैंडी, नमकीन, ड्राई फ्रूट, शराब और जो अल्कोहल वगैरह होते हैं, पेस्ट्री, पिज्जा, पैक्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक, कैंड फूड, व्हाइट ब्रेड, पैक्ड सूप, प्रोसेस्ड मांस, पैक्ड फूड, पास्ता, चीनी, नूडल्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें इन सारी चीजों से बचना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे जो बीपी होता है उसको बढ़ा देती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक डाइट चार्ट के बारे में जिसका उपयोग हमें करना चाहिए अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो डाइट चार्ट ये आप लोगों के सामने उपस्थित है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमें हाई बीपी के लिए जो डाइट प्लान है उसमें सुबह सुबह सबसे पहले भुना हुआ अलसी का बीज या सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच लेना चाहिए। चाय हम ले सकते हैं लेकिन उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, वो हम 1 कप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बिस्किट में 2 बिस्किट खा सकते हैं, ये हम सुबह जब सो के उठते हैं ब्रश करने के बाद हम कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम सुबह के नाश्ते की बात करते हैं तो हमें गाजर या पालक का पराठा इस तरह का हमें यूज करना चाहिए और हमें दही का यूज करना चाहिए। 2 पराठे हम खा सकते हैं और 1 कप दही या 50 ग्राम दही हम बड़ी आसानी से खा सकते हैं लेकिन दोस्तों दही में नमक बिल्कुल ना मिलाएं। इसके बाद यदि हम नाश्ते के बाद की बात करते हैं तो हम नाश्ते के बाद सेब, केला, अमरूद, संतरा, ग्रीन ट्री, इन चीजों का यूज कर सकते हैं।
हम एक केला, एक सेब फल या एक अमरूद या एक संतरा नाश्ते के बाद खा सकते हैं और एक कप ग्रीन टी बड़ी आसानी से पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दोपहर के भोजन की बात करते हैं, तो हमें दोपहर के भोजन में सब्जी वाला ब्राउन राइस पुलाव या वेजिटेबल ओट उपमा एक कटोरी लेना है, खीरा गाजर चुकंदर या प्याज का रायता हम एक कटोरी ले सकते हैं और सब्जियों का सलाद हम एक कटोरी सलाद बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कि दोपहर के भोजन में यदि हमें और कुछ खाना हो तो हम एक दूसरा भी जो है इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। हम तीन रोटी खा सकते हैं, शिमला मिर्च भिंडी परवल लौकी की सब्जी एक कटोरी खा सकते हैं, इसके अलावा दाल खा सकते हैं या मुनगे का सांभर खा सकते हैं, ये एक कटोरी हम खा सकते हैं और एक कटोरी हम सलाद खा सकते हैं। यदि हम दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट पैदल चलते हैं और साथ में एक कप गर्म नींबू पानी पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भोजन को डाइजेस्ट करने में मिलती है और इसके साथ ही बीपी को कंट्रोल करने में भी मिलती है। अब यदि हम शाम के नाश्ते की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रीन टी चाय कॉफ़ी या चुकंदर का जूस हम ले सकते हैं एक कप या एक गिलास, इसके अलावा हम मुरमुरे खा सकते हैं या तरबूज खा सकते हैं एक कटोरी। आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगा आपसे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।